हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड एंड ट्रैवल। आज हम बना रहे हैं बघारा खाना, विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट गोज़ विथ दालचा खोरमा। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ वन अनियन चॉप्ड, करी लीव्स, ग्रीन चिली। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ ग्रीन चिली और इट्स नो दिस इज़ नो कंपल्शन। कोरिएंडर या धनिया। And we will have dalchini, cloves, shazira, do ilachi. And we also need ginger garlic paste, salt, rice, which is washed and been soaked for 10 minutes now. So let's begin. In a pan, I have taken 2 tablespoons of oil. Now to this we'll add onions. We have to fry the onions till they turn golden brown. Here you can see the onions are turning to be golden brown. अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बी वेरी केयरफुल एंड कीप द फ्लेम ऑन लो। कीप मिक्सिंग इट। फ्राई द जिंजर गार्लिक पेस्ट सो दैट इट टर्न्स ब्राउन। But be careful not to burn it. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका है एंड इट स्टार्टेड टू स्टिक ऑन द पैन। हियर यू कैन ऐड योर करी लीव्स। कीप द फ्लेम रियली लो बिकॉज इट विल स्टार्ट बर्निंग। Here you add your green chili, your garam masala, give it a mix and then quickly add the rice without the water. Here I have added rice. Please don't keep stirring it all the time. आपके चावल टूट जाएंगे। हमें सिर्फ चावल भूनना है, हमें बार बार इसे मिक्स करके तोड़ना नहीं है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि चावल नीचे स्टिक होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब आपका चावल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल फ्राई हो चुका है। हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे यानी हमारा धनिया और हम इसमें पानी डालेंगे। अब मैं आपको पानी की कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ। नाउ अब हम इसमें वाटर की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। टेक योर फिंगर एंड जस्ट डिप इट लाइक दिस। इट शुड बी ओनली 1.5 इंच फ्रॉम योर फिंगर। द राइस शुड टच योर फिंगर एंड टिल हियर। द राइस विल कुक परफेक्टली। नाउ एट द एंड वी आर एडिंग 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। Give it a stir and now let's let it cook. Here you can see the water has started to boil. Now we'll close the lid.
Put it on a low flame after you put the lid. After 8 minutes on low flame, here you can see the rice has turned out to be very good. It's cooked now. Just have a look at this. This is cooked rice. Now, it's ready to serve. Here you go, our bagara khana is ready to eat. Please enjoy this delicious rice recipe with khurma or dalcha. Don't forget to comment, subscribe and share. Thank you for watching.